Et c'est bon. कि हमारे दस्त मुबारक से
मस्जिद की तामीर में कुछ न कुछ मसाला चला जाए, हाथ में बजाय मसाला जाद लग भी जाए, जिससे एहसास होता है कि कुछ गंदे यानी कुछ मैल कुछ लग रहा है या मसाले के कुछ हिस्से लग रहे हैं, लेकिन कोई इंसान उससे नफरत नहीं करता बल्कि खुशी का इजहार करता है कि नहनु लदीना बायअना मुहम्मदा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर बैत कर चुके हैं। इस मुनासिबत से जो काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मस्जिद नबी की तामीर में जिस तरह किया था, और जंग खंदक के मौका पर खंदक की खुदाई में बनफ्से नफीस आपकी शिरकत भी हुई थी, उसी चाहत के साथ शिरकत का एक नमूना और एक नजारा देखने को मिला। अल्लाह इस चाहत को, इस शौक को बरकरार रखे और आइंदा भी मसाजिद या दीनी इदारों के प्याम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जज्बे मुसाबिका के साथ अमल करने की तौफीक दी जाए। दरअसल मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, इन्नमा यामुर मसाजिद अल्लाही मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله। मस्जिद की तामीर कौन लोग करते हैं? सूरह तौबा की आयत करीमा में मस्जिद बनाने वालों की पांच खसूसियात का तज़किरा किया गया है। अगर ये खसूसियतें आपके अंदर पाई जाती हैं, आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं, आपको अपने नसीबे पर अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा इस खुश नसीबी पर फख्र अदा कीजिए, नहीं, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस नेक अमल की तौफीक हमें दी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नहीं देता तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। जन्नती इंसान जन्नत में कहेंगे और उसी जन्नत का एक हिस्सा बना रहे हैं, जो इंसान अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है नेक नियति के साथ, अल्लाह के घर की तामीर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मस्जिद, उसके लिए जन्नत में घर बनाए। तो पांच खसूसियात क्या याद रख लीजिए आप। पहली चीज, जिसने ईमान कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार है, हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अगर किसी भी एतबार से ईमान में खराबी पैदा हुई हो उसे दूर कीजिए। यकीनन मोमिन बंदा इसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला पे होता है, अल्लाह उसे बहुत नवाजता है और ऊंचा मकाम अता करता है। अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ दूसरी चीज है आखिरत पर ईमान। मकसद यह है कि अगर अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ईमान की बुनियादी अरकान को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा और बदला कहां मिलेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत यानी कयामत के दिन कायम किया है, जहां इंसान के अच्छे बुरे अमाल के बदले अता किए हैं। तो क्या अल्लाह पर ईमान लाने वाला और आखिरत पर ईमान लाने वाला मस्जिद की तामीर करता है? ये पहले दो बुनियादी काम है कि अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए। ईमान नहीं है तो कोई अमल हमारा आपका अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। इसलिए ईमान नगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी किस्म की खामी खराबी कोताही वाकई हुई हो उसकी इसलाह कर दीजिए। अल्लाह पे जबरदस्त ईमान होना चाहिए, आखरत पर मुस्तकिल ईमान होना चाहिए। दो चीजें ईमानी आपने से ली। उसके बाद दो खूबी का तस्करा किया गया जो अमाल से ताल्लुक रखते हैं, अकाम अस्सला व आता ज़का। मस्जिद तामीर करने वाले नमाज कायम करते हैं और मस्जिद तामीर करने वाले ज़कात भी अदा किया करते हैं। ये दो अमाल कुरान मुकद्दस में संग संग और साथ साथ बयान किए हैं। इसकी वजह क्या है? कुछ मुफस्सिरीन इसका तस्करा किया है कि नमाज और ज़कात का हुक्म देकर सिर्फ नमाज और ज़कात का हुक्म नहीं है बल्कि दो बुनियादी जरूरतों की तकमील का हुक्म। इकामत सलात से अल्लाह का हक अदा होगा तो ईदाए ज़कात से बंदों का हक अदा।
ये मिसाली चीजें बतलाई गई, यानी अल्लाह का हुकूक अदा करने वाला और बंदों के हुकूक अदा करने वाले मस्जिद की तामीर करते हैं। अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, ये दो ईमानियात में से हैं, और उसके बाद नमाज का क्याम और ज़कात की अदायगी का निजाम, ये दो चीजें आमाल से ताल्लुक रखते हैं। ये दो आमाल करके इंसान से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल्अबाद के मुतालबे किए गए। उसके बाद पांचवी खसूसियत है, वो एक अहम चीज है, वलम यशअल्लाह, मस्जिद तामीर करने वाला अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता है। मस्जिद तामीर हो, मस्जिद की जगह पे तामीर हो, सही जगह पे तामीर हो, और इस रास्ते में जितनी रुकावटें आती हो उन तमाम रुकावटों को झेला जाए, बर्दाश्त किया जाए, अल्लाह के सिवा किसी से न डरा जाए। आप किस नियत से काम करते हैं आप जानते हैं और आपका रब जानता है, किस जज्बा, किस इरादा और किस आरज़ू और किस तमन्नाओं के साथ आप आमाल बजा लाते हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए और इस तरह उनसे जुड़ा रहना चाहिए। उसके बाद कुछ लोग आपको जो भी कहें उसकी तरफ तवज्जो देने की आपको जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह के लिए बनाते हैं, बंदा के लिए नहीं बनाते। मस्जिद अल्लाह के लिए बनाते हैं, खानदान के लिए नहीं बनाते। मस्जिद अल्लाह के लिए बनाते हैं, किसी और की इज्जत के लिए नहीं बनाते। मस्जिद अल्लाह की खुशनूदी के लिए बनाते हैं, किसी और की खुशामद के लिए नहीं बनाते। मस्जिद वह अल्लाह के लिए आपने बनाई है। मस्जिद को बैतुल्ला कहा जाता है, बैतुल्ला मतलब अल्लाह का घर। जब अल्लाह का घर हो गया, जितना अल्लाह का बंदा है वो सब उसमें आम तौर से दाखिल हो सकता है, किसी पर पाबंदी नहीं हो सकती। हम मुतवल्ली जरूर है, मुंतजिम जरूर है, सदर सेक्रेटरी और कमेटी के अराकीन जरूर है, हमने हमारे जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम जरूर लिया है, लेकिन मस्जिद तामीर होने के बाद ये मस्जिद हमारी आपकी नहीं रहती है, किसी की जागीरदारी नहीं रहती, ये अल्लाह तबारक व तआला का घर बन जाता है। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी सहूलत हुई सबसे पहले आपने मस्जिद की तामीर की है। इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद पता नहीं कौन सी है, मस्जिद कुबा है। चंद दिन का क़याम रहा कुबा की बस्ती में, मदीना जाने से पहले पहले आपने एक मस्जिद की तामीर की। मकसद क्या था कि बार बार अगर किसी के घर में जाया जाएगा, घर के लोगों में दिक्कत हो सकती है, कभी लोग नाक भो चढ़ा सकते हैं, कभी किसी को दावत दुश्मनी किसी से हो सकती है, वहां से इंसान रिश्ता नाता तोड़ ले। इसलिए क्या मस्जिद बनाई जाए ताकि सब लोगों का हक मस्जिद में यकसा। उसके बाद मदीना पहुंचे हैं, जहां ऊंटनी आपकी बैठी है वहीं आपने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा किया। वो दो यतीम बच्चों की जगह थी, उसने कहा रसूलुल्लाह हमारी तरफ से मस्जिद की तामीर के लिए पेशकश, आपने देखा कोई यतीम बच्चे हैं तो उसकी कुछ कीमत दी जाए। रवायतों के मुताबिक सिद्दीक अकबर ने जो भी सही कीमत अदा किया और कीमतन उसे ली गई, कुछ देता अलहमदुलिल्लाह दिया जा सकता है, लेकिन अगर कीमत देने की सहूलियात हो और हम देख लें कि बच्चे यतीम हैं, इनके साथ हो सकता है कि कुछ गुजर बसर किया और भी चीज लेना हो, एक तरफ उनके जज्बात की कदर कीजिए, कुछ नहीं है लेकिन मस्जिद नबी की तामीर के लिए जगह पेश कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंतजामिया की तरफ से बात देखी गई, इनको कुछ जरूरत भी होनी चाहिए, उनकी जरूरत की पूरी तकमील तो नहीं हो सकती है, कुछ नकद तो जरूर देना चाहिए। तो मस्जिद नबी की तामीर होगी। मस्जिद नबी क्या थी? मस्जिद नबी सिर्फ मस्जिद नहीं थी, पंच वक्त नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं थी, वो पार्लियामेंट भी है, वहां तालीम और तालीम का सिलसिला भी जारी है, एक अजीम यूनिवर्सिटी थी और आज भी मस्जिद नबी की खसूसियत है। मस्जिद नबी में पढ़ पढ़ के बड़े बड़े अल्लामा समा पैदा हो सकते हो रहे, बहुत बड़ी बात है। तो मस्जिद को सिर्फ तस्बीह के दौरान गड़गड़ाने के लिए नहीं और जिक्र अस्कार की महफिलें सजाने के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद नबी से इस तरह का काम लिया गया उसी अंदाज से मस्जिद की तामीर का मकसद होना चाहिए। वहां तालीम और तालीम भी हो, दुरूस किताब सुन्नत भी हो और मसले मसाइल भी हो, लोगों के मसाइल को हल भी किए जाते हो, निकाह और तलाक के मसाइल भी काम किए जाते हो, वगैरह वगैरह। ये मस्जिद नबी मकसद क्या है? सब लोग एक जगह जमा होकर एक तो इज्तिमाई शक्ल में नमाज अदा करके इस चीज का सबूत फराहम करेंगे
शब्द खड़े हो गए, महमूद रियास, न कोई बंदर रहा न कोई बंदर आवास, छोटा बड़ा काला गोरा सब के सब अल्लाह की बारगाह में एक सब खड़ा होकर अल्लाह की बंदगी अदा करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुसूसियत इस्लाम की। नफरतें कहीं भी हो, अदावतें कहीं भी हो, दुश्मनी कहीं भी हो, उसे बालाकात रखा जाता है और मसीह में से एक साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर, एक इमाम के इशारे पर सारे अरकान को अंजाम देने की कोशिश करता है, जो इस बात का सबूत होता है कि हमने किसी को इमाम माना, लीडर माना है, तब उनके नक्शे कदम पर चले। काश कि मस्जिद की ये तालीम मस्जिद की बाहर भी अपनी झलकियां दिखा दे और लोग उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, सारा फसाद, सारा झगड़ा, सारा इख्तलाफ खत्म हो जाए। दोबारा बात हम भी हो रही है, मेरी गुजारिश यह है कि कुरान मुकद्दस की इस आयत के अंदर बयान करदा हकायक पे गौर कीजिए। मस्जिद तो वो बनाते हैं जो अल्लाह पर और आखरत पर ईमान रखने वाले होते हैं, मस्जिद तो वो बनाते हैं जो नमाज कायम करने वाले और ज़कात का निज़ाम दुरुस्त करने वाले होते हैं, और मस्जिद तो वो बनाते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी का डर अपने दिल में नहीं रखते। अल्लाह ताला इन खुसूसियात का हामिल बनाकर ये मस्जिद और दुनिया की सारी मसाजिद में हिस्सा लेने की भरपूर तौफीक बनाना फरमा। यकीन आप मुबारकबादी के मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक तआला हमारे रात के मिल बैठने को कबूल फरमाए, आपके जज्बे मुसाबत को कबूल फरमाए, और जो जिस तरह से आपने वालहाना इस्तकबाल किया है और अपने अमाल के जरिए से इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, पैसों की शक्ल में, गिफ्टी और बालू और रॉड की शक्ल में, या इस तरह से दीगर जरूरियात की तकमील की शक्ल में, और खुद बनफसे नफीस अपने हाथ में तगार उठाए हुए उसके गड्ढे में और बुनियाद में चीजों के डालने की शक्ल में जो हमने कुर्बानियाँ पेश की हैं और सुबह से लेकर उसमें लगे हुए हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की तौफीक पर है, अल्लाह से कबूल फरमाए। रात जब मैं आकर आखिर में देखा कि चंद नौजवान जिनके चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई है और मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक गुफ्तगु भी कर रहे हैं, कल का प्रोग्राम कैसे होगा और किस अंदाज का निज़ाम चलाया जाएगा, इधर हम लिए बड़ी खूबी की बात है कि कल होने वाले प्रोग्राम से पहले रात में उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। यकीनन इधर हकीकत अच्छी सोच की अलामत है और मस्जिद से कर्बी कल्बी लगाव की पहचान है। अल्लाह ताला हम तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और ख़वातीन इस्लाम को इस किस्म की कार्य खैर में मुस्तकिल हिस्सा लेते रहने की तौफीक अनामत फरमाए। इलाही जोने बीमारों ने शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा, जो मकरूद उन्हें कर्ज़ा अदा करने की सहूलियात फराहम कर दे, जो लोग परेशानी के अंदर मुब्तला है अल्लाह उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दे। जब तक हमें जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करके जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज साथ करते हमारा खात्मा हो। अकुल कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वआख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।